नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। छठी माता को मानने वाले सभी, पर्व करने वाले माँ बहन बेटियाँ सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, शुभकामनाएं उन परिवार को पहुँचे। आपको बताते चलूँ, यह त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ नदियों के किनारे पानियों में या व्रत किया जाता है। उत्तरी भारत बिहार में दीपावली के 6 दिन के बाद छठी माता जी को मनाने के लिए त्यौहार बड़े धूमधाम के साथ यह देखी जा सकती है। यह त्यौहार बिहार में प्रचलित त्यौहार। जी स्वागत है आज सुबह टाइम्स में। सर आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं हितलाल दास दिल्ली से। जी आप सभी को छठ महापर्व का बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। बात यह है कि दिल्ली में छठ की धूमधाम बहुत जोरों पे है और लोग बहुत खुशी और उल्लास से महापर्व का त्योहार मनाने जा रहे हैं। वैसे त्योहार तो की जो शुरुआत तो परसों से ही हो गई। परसों कहते हैं कि गांव में काब छठ महापर्व में शुरुआत से पहले जो नॉन वेज खाते हैं वो नॉन एक रोज पहले नॉन वेज खाना छोड़ना पड़ता है सबको। उसके दूसरे दिन होती है जो नहाते हैं और खाते हैं, विशेष से नहाए खाए। आज जो है आज खरना है जी। तो लोग बड़े उत्साह से मना रहे हैं, लेकिन सच्ची बात है कि महंगाई भी इतनी है कि जो उत्साह चाहिए सारे उस उत्साह महंगाई में दब जाती है। तीसरी बात यह है कि दिल्ली में जो छठ महापर्व का जो आप लोग सभी जानते हैं कि यहाँ जो छठ महापर्व है वो पानी में ही मनाए जाते हैं जी, न कि घरों में न कि बाहर। तब यहाँ ये है कि पानी तो है लेकिन जमुना का पानी बताया जा रहा है कि दूषित है। इतना दूषित पानी है कि लोगों को अगर डर है कि कहीं अगर पानी में डुबकी लगाऊं या पानी में जाऊं तो कोई नई बीमारी लेकर नहीं आ जाऊं, तो लोग डर है लेकिन फिर भी क्या करे, मजबूर है। आगे बात यह है कि दो चार रोज पहले दिल्ली में इतना अमोनिया था अरे जमुना में कि लोग 50 जगह जो है करीब 50-60 जगह जो है इलाके में पानी को बंद करना पड़ा। लोग बहुत परेशान हुए। सरकार ने जितना सुविधा दिया, हो सकता है कहीं से पानी का ट्रंक उनक भेजा होगा तो उन लोगों को मिला होगा, लेकिन जब मैंने न्यूज में देखा तो कितने जगह ऐसे थे कि लोग परेशान थे कि वहाँ पानी का सप्लाई नहीं गया था जी। क्या जमुना जी के किनारे टेंट वगैरह या कोई सजावट ऐसा आपको अच्छा, दिखाई दे रहा है? अब बता रहा हूँ। तो सरकार ने ये घोषणा किया था कि इस बार भी छठ त्योहार जो है सो घोषणा नहीं किया था, लेकिन उनका जो इरादा था कि इस बार छठ त्योहार भी घर में ही मनाए लोग, घाट पर ना आए। लेकिन आप लोग तो जानते ही हैं कि हमारा देश सबसे बड़ी चीज है तो राजनीति है। तो कुछ राजनीतिक दल आपस में टकरा गए। कुछ कहते हैं कि मनाना चाहिए, कुछ किसी ने जिद भी कर दिया। कोई कोई राजनीतिक दल के जो नेता थे, जो उनके कार्यकर्ता थे, उन्होंने जिद कर दिया कि नहीं छठ महापर्व है तो महापर्व जमुना में मनाना चाहिए। अगर पानी में अमोनिया हो गया तो अमोनिया एकाएक नहीं आ गया, अमोनिया धीरे धीरे आता है ना। अगर सरकार इस पे ध्यान देता तो पहले से अमोनिया की साफ सफाई कर देता या करवाता तो नहीं होती, मतलब कि आदमी को दिक्कत नहीं होती, न तो पानी बंद करना पड़ता, न 50-60 इलाकों में जो पानी की किल्लत हुई है वो भी नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि छठ महापर्व भी लोग मनाते। तो राजनीति जो राजनीति छीटाकसी में कुछ राजनीतिक दल जो है सो जिद कर दिया कि नहीं हम तो जो भी हो हम छठ पर्व घाट पर ही मनाएंगे, तो शायद अब सरकार भी जो है साथ दे रहे हैं। सुना कल देखा था कि 1600 की 1800 घाट की 800 घाट की सफाई हो रही है, करीब 800 घाटों की जमुना में सफाई हो रही है जमुना किनारे। तो इस बार उम्मीद है कि हो सकता है कि छठ महापर्व जो है
जैसे हर जगह घाट लोग बना लेते थे वैसा नहीं होगा, कहीं कहीं ऐसा घाट सुनिश्चित किया जाएगा कि लोग वहां जाकर छठ महापर्व मनाए। जी तो टेंट थोड़ा लगना शुरू हो गया है। हाँ तो मतलब घाटों की साफ सफाई हो रही है, मैं भी न्यूज में भी देखा हूँ, और इसमें बढ़ चल के जो खास करके जो राजनीतिक दल है या कुछ ऐसे संगठन है जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं घाटों की साफ सफाई करने और करवाने में। तो क्या पहले की तरह फिर वैसे ही भीड़ उमड़ेगी या कुछ मतलब हल्का ही रहेगा? नहीं नहीं भीड़ तो उमड़ेगी, भीड़ को तो आप रोक नहीं सकते कुछ भी हो। हाँ सरकार ने गाइडलाइन दिया है कि आप लोग जो कोरोना प्रोटोकॉल है जी उसको पालन करें, दूरी बना के रखे, मतलब कि मास्क पहन के जाए, क्योंकि जहाँ तक उम्मीद है कि छठ महापर्व इतना मतलब कि भारी है, इतना विशाल है कि उसमें कोरोना का प्रोटोकॉल कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो पाएगा, चाहे कुछ भी हो है, लेकिन जो जैसे चाहेंगे हम प्रोटोकॉल को पूरी अच्छी तरीके से पालन करवा ले तो वो नहीं हो पाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि भीड़ इतनी होगी आप कितने को रोकेंगे। जी जी ये त्योहार जो सारे दिन की तो होती नहीं है, शाम में और सुबह में, नींद तो वही है कि जब सूर्य अस्त होते हैं उस समय अर्घ दिया जाता है, और जब सुबह सूर्योदय होता है उस समय अर्घ दिया जाता है। कोई त्योहार जो जैसे जैसे कोई गंगा स्नान करना है जी, अगर वहाँ प्रोटोकॉल का पालन करवाया जाए तो पालन कर लेगा, क्योंकि गंगा स्नान सुबह से लेकर शाम तक होती है, होती नहीं होती है। लेकिन ये त्योहार तो है कि सूर्योदय के सूर्य अस्त होगा त्योहार खत्म, सूर्य उदय हो जाएगा त्योहार खत्म, तो मतलब कि एक दो घंटा या दो तीन घंटा की जो रनिंग होती है बीच में उसमें तो भीड़ होगा ही होगा। तो कोरोना प्रोटोकॉल का जो पालन ढंग से नहीं हो पाएगा जहां तक मेरा ख्याल है। हाँ और दूसरी बात यह है कि दिल्ली में आप लोग बधाई हो कि यूपी में जो योगी सरकार है, यानी वहां के नाम क्यों लूं, जो सरकार है, सरकार ने 6 महीने के लिए राशन फ्री करने का ये किया है कि मैं 6 महीने और राशन फ्री करूंगा दिल्ली में दिवाली तक, शायद जो दिल्ली में नहीं ये यूपी में, और क्या कहते हैं जो अब हमारे जो मुख्यमंत्री है केजरीवाल साहब, उन्होंने भी कल न्यूज में पढ़ा था कि उन्होंने भी कहा है कि भाई हम भी 6 महीना के लिए, ये महंगाई बहुत ज्यादा है तो 6 महीना के लिए मैं भी फ्री करता हूँ और करूँगा, और वो उन्होंने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखा है कि आप भी फ्री कीजिए 6 महीना के लिए, और क्योंकि गरीब आदमी के लिए बहुत बेरोजगार हो चुके हैं। जी हितलाल जी, चंदन जी, आप जो छठ है, छठ के इतने कठिन मेहनत और लगन के साथ माता रानी को मनाते हैं, चंदन जी आप उन माँ बहन बेटियों और जो भी छठ व्रत कर रहे हैं उन्हें क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं आप, कितना शुभकामना? देखिए उनके लिए तो कहते जो जो जिस श्रद्धा से जिस विश्वास से जिस आस्था से जो छठ महापर्व कर रहे हैं जी, मैं ऊपर वाले से यही दुआ मांगूंगा कि सभी को दुआ कबूल हो और मालिक सभी को जो जिस मन से कर रहे हैं जिस आस्था से कर रहे हैं सभी को मनोकामना पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू।